चैनल सालंगई कला निकेतन। आज के इस वीडियो में मैं आपको भरतनाट्यम के बारे में कुछ बताऊंगी, साथ ही साथ इस नृत्य की शुरुआत में आपको नमस्कार करना है और कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। भरतनाट्यम का उत्पन्न हुआ था दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में। इस नृत्य को पहले अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि चिन्नमेलम, सादिर, दासी अट्टम, भरतम। अगर आप भरतनाट्यम को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप ये जो शब्द है भरत, इसको आप तीन भाग में बांटें। भ मतलब भावना, जो इमोशंस हैं हमारे में। हम जब डांस करते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है र मतलब राग, मतलब मेलेडी, जो गाना यूज़ किया जा रहा है उस पर हम नृत्य करते हैं। त त का मतलब है ताल। हम जब कोई गाना सुनते हैं उसमें हम बीट देने की कोशिश करते हैं, अपने पैर से ताल देते हैं, वो है ताल। इस नृत्य की शुरुआत में हम नमस्कार करेंगे गुरु को, भगवान को, और ऑडियंस जो हमारा परफॉर्मेंस देखने आती है उनको हमारा आभार व्यक्त करने के लिए। आपको जिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको अभी आगे वो बताऊंगी। ध्यान रखें, दोनों पैर आपके नज़दीक हैं एकदम, दोनों आपके फुट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है, बॉडी आपका स्ट्रेट होना चाहिए एकदम इस तरह से। हाथों को इन मुद्रा में रखेंगे, ध्यान रहे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा पास नहीं रखना है चेस्ट के, हम इतना ही दूर रखेंगे कि हाथ और चेस्ट हमारा पैरेलल हो। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे राइट लेग से, धीरे धीरे हम मसल मुश्किल बनाएंगे शीखर के साथ, पास देखते आएंगे हम दूर। और करने के बाद ध्यान देना है कि हमारे दोनों हाथ पैरेलल है, इसको हम वापस लेके आएंगे हाथ की तरफ, साथ ही साथ हमें नीचे बैठना है और धरती माँ का आशीर्वाद लेना है। आप मेरे पीछे हाथ को हाथों को खोलते हुए हम खड़े होना है, मैं आपको गर्दन करके बताती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आप तक पहुँचने की वीडियो कॉल के द्वारा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो मुझसे सीखना पसंद करेंगे। अब मैं चलती हूँ, बाय।